बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबके कि आप अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकालते हैं, बहुत शुक्रिया। आज हम चिकन डोनट्स बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही मज़े के जूजी, क्रिस्पी और डिलीशियस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है और एक अनियन मैंने फाइन चॉप्स किए ऐड कर रही हूँ। हाफ कप मैं इसके अंदर स्प्रिंग अनियन, जो ग्रीन पार्ट होता है, वो ऐड कर रही हूँ चॉप करके। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। 1/3 कप मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्स और 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ उसमें। अब हम इसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। इसको ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बनते हैं और बच्चों को बेहद पसंद आते हैं। आप इसको मेरे स्टाइल से बनाइएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो नए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अब देखें, थोड़ा सा मैंने पीस लिया है। इसके अंदर में एक मैंने पोटैटो है जो बॉईल करके रखा है बड़ा, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। ये हमारा बाइंडिंग का काम करेगा ये, और इससे जो है बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं डोनट्स हमारे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आई। ये देखें बिल्कुल अच्छे से पिस गया ये हमारा, देखें कितना बारीक पिस गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम डोनट का शेप दे देंगे, हाथ से दे देंगे। ये देखें, एक मैंने कवर लिया हुआ है, उससे मैं इसको बीच में से इस तरह से कर लूँगी ताकि बिल्कुल डोनट का शेप आ जाए हमारा। और इसको हम 5 to 6 आवर्स के लिए इसके बाद हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि अगर हम ऐसे ही तलेंगे तो फिर ये टूटने का ख़तरा होता है। ये देखें हमारे डोनट्स तैयार हो गए हैं तकरीबन। ये मैंने ब्रेड क्रम लिया है, अब हम फ्राइंग करेंगे। कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने, 2 अंडे में बीट कर लूंगी। बच्चों को बेइंतहा पसंद आते हैं ये, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं इसको बच्चों को। शाम के नाश्ते में भी बनाएं आप, वैसे खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें मैं इसको मैं कॉर्नफ्लोर में कोट कर रही हूँ, उसके बाद अंडे में एक कोट करूँगी। ब्रेड क्रम मैंने थोड़े से मोटे वाले लिए हैं जो इम्पोर्टेड होते हैं, बारीक वाले से थोड़ा सा कलर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये वाले लिए हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि यही वाले लेके बनाएं। ये देखें ऑयल हमारा गरम हो गया और हमने ये सारी कोटिंग कर ली है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पर जो नए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखें एक साइड से हो गए, इसको हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया इसका, बस इसको अब हम निकाल लेंगे पेपर के ऊपर। देखें कितने ज़बरदस्त से डोनट्स तैयार हुए हैं, क्रिस्पी, जूजी, बहुत मज़े के बनते हैं ये। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।